जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताते रहा करिए। आज हम आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है होलिका दहन के वक्त एक चमत्कारी दीपक का। जब हम घर के अंदर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे घर की नकारात्मक शक्तियों का उस समय अंत होता है। दीपक से रोशनी भी मिलती है और दीपक प्रज्वलित कर पूजा करने से ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पर क्या कोई ऐसा दीपक होता है जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएं? अगर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है तो इससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो इससे आपके अवरोध खत्म होते हैं। जीवन में उत्पन्न हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए देवी के मंदिर में घी का दीपक जलाया जाता है। मैं अलग अलग समय पर आपको बताती हूँ कि आपको कौन सा घी का दीपक, किस तरह का दीपक आपको मंदिर में जलाना चाहिए जिससे आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो। दीपक में बत्तियाँ भी नाना प्रकार की लगती हैं। हाँ, एक मुखी दीपक होता है, दो मुखी दीपक होता है, चार मुखी, पंचमुखी, नौ मुखी दीपक भी होता है और इनके अपने अलग लाभ होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको दीपक के ऊपर एक पूरा एपिसोड बना कर दिया है जिसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज मैं आपको जो विशेष बताने आई हूँ वो ये कि होली पर अगर आप ये एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इसके प्रज्वलित करने मात्र से आपकी हर मनोकामना सिद्ध हो जाती है। करना क्या है आपको, कैसे करना है ये ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। बहुत सारे लोग शनि की पीड़ा से जूझते हैं। शनि की दृष्टि जब आपकी कुंडली पर आती है तो ये आपको साढ़े साती, ढैया, इन सब चीज़ों से परेशान कर जाती है। शनि जब जब भी महादशा में, अंतरदशा में, प्रतिअंतरदशा में आते हैं, व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पीड़ित होने लगता है। शनि देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो उसके लिए ये एक कार्य ज़रूर करिएगा। अगर आपके घर के अंदर पितृ दोष है, आपकी कुंडली में कुल दोष है, आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है तो आपको होली का दहन के वक्त ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे परिश्रम करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही, बहुत सारे प्रयास और उपाय करने के बाद भी आपको अपने प्रेम में सफलता नहीं मिल रही, आपके घर में कलह बने रहते हैं, आपके जीवन में हमेशा नकारात्मकता बनी रहती है तो ये एक उपाय ज़रूर करिएगा। 100 बातों की एक बात, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो ये एक कार्य ज़रूर करिएगा। करना क्या है आपको, आपको होलिका दहन के वक्त एक दीपक तैयार करना है। और ये दीपक कैसे तैयार करेंगे आप, मैं आपको बता देती हूँ। आज इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास में अभी समय है, आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। थोड़ी सी उड़द की दाल का आटा बना लीजिएगा और नॉर्मल आटे के साथ उसे मिला लीजिएगा, उससे एक दिए का निर्माण करिएगा। ये दिया चार मुखी होगा, इसके अंदर आप सरसों का तेल डाल दीजिएगा और जो बत्ती होगी वो आप कलावे की लगाइएगा। उसके बाद जहाँ पर होली का दहन हो रहा हो और अग्नि प्रज्वलित हो चुकी हो, जब तक नहीं हुई हो तब तक ये कार्य मत करिएगा, जब अग्नि प्रज्वलित हो चुकी हो तब उस जगह पर जाकर आप थोड़ी सी पीली सरसों रखिएगा, उसके ऊपर इस दीपक को रख कर जला दीजिएगा और उसके बाद सात परिक्रमा करिएगा। और सात परिक्रमा करते वक्त आप बोलिएगा हुम फट हुम फट हुम फट। ये क्रिया करने मात्र से आपकी हर मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। होलिका दहन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जलती हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा सिर्फ बुराइयां ही नहीं जलती हैं, इस होलिका दहन से बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इसी होलिका दहन की राख से बहुत सारी सिद्धियों को
पूरा किया जाता है, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, बहुत सारे टोटके किए जाते हैं। मैं ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस आपको समय पर देती रहूंगी, लेकिन ये एक उपाय अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ज़रूर करिएगा, और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए मेरी जान जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।